आज हम हमारे गार्डन के रोज़ प्लांट का प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग का बेनिफिट ये है कि फ्लावर ग्रोथ बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है। अभी आप रोज़ प्लांट का प्रूनिंग करने जा रहे हैं, अक्टूबर महीने में प्रूनिंग करने से आपको नवंबर में बहुत सारे इसमें फूल आएंगे और फिर फरवरी के मंथ में सॉफ्ट प्रूनिंग होता है, वो कर देंगे तो रोज़ प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो आपको दिखाते हैं। प्रूनिंग करने में पहले अपने को पेंसिल साइज का जो स्टेम है वहाँ से कट करना है, जिससे कि जो ब्रांच आए वो अच्छे ग्रोथ का ब्रांच आए और उसमें बहुत सारे फ्लावर हो। अगर अपन लोग ऊपर इसका कर देंगे तो फिर उसमें फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाएगा, इसीलिए पेंसिल साइज के से कट मारना है अपने को। दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ से कट करना है। हाथ को थोड़ा संभाल के, इसमें कांटे होते हैं, और एंगल जो डालेंगे वो 45 डिग्री का होगा। एंगल 45 डिग्री का कट करेंगे तो उसे सही रहे। बस हाथ को संभल के करना है। इसमें जितने भी क्रिस क्रॉस ब्रांचेज हैं सबको काट लेंगे, जिससे एरेशन इसमें ठीक होता है। रोज प्लांट को एरेशन भी अच्छा चाहिए, जिससे एयर इसमें आए तो अच्छा ग्रोथ होता है। ध्यान रखना 45 डिग्री होना चाहिए। पतले स्टेम है, सबको काट देंगे। हार्ड प्रूनिंग का मतलब ये है जो पेंसिल साइज के जितने भी स्टेम है सबको काटना है। जितने भी सूखे स्टेम है सबको काट देंगे। सूखे स्टेम से मतलब ग्रोथ नहीं है तो बस उसको कट करेंगे। फाइनल सारे प्रूनिंग हो गए। देखिए इसमें एयर पास हो तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ होगा। अब इसमें फर्टिलाइज करेंगे। इसमें फर्टिलाइज़र डालने से और डेली पानी डालने से फिर फ्लावर वन मंथ में आपका बहुत सारा फ्लावर इसमें आएंगे। सारा प्रूनिंग हो चुका है प्लांट का। इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे, इसके रूट के पास इसको डिग नहीं करेंगे, उसके साइड में करेंगे, जो उसका रूट उसके साइड में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। बस अभी आपका काम हो गया ये, और इसमें डेली पानी डालना है। जो मारे हैं उसमें फंगीसाइड अपन लोग को अप्लाई करना है, सभी एंगल पे फंगीसाइड अप्लाई करना है।